नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश को विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुंमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में महासंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हर देशवासी के कल्याण के लिए काम किया है और प्रधानमंत्री की सोच है कि देश सबसे पहले, बाकी सब बाद में। इसी सोच के साथ देश को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए वे अथक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है तब से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इन सब के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर हर देशवासी के कल्याण के लिए कार्य किया है और प्रधानमंत्री की सोच है कि देश सबसे पहले, बाकी सब बाद में। इसी सोच के साथ देश को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और अमृतकाल में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए दुनिया में विभिन्न देशों का दौरा कर भारत की संस्कृति और विरासत की जो झलक दिखाई है उससे हर भारतीय को गर्व की अनुभूति हुई है। वहीं आज वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान बनी है उससे जनता को भी लाभ हो रहा है। दुनिया में प्रधानमंत्री के बढ़ते कद को देखकर अब तो बड़े देशों के नेता भी कहने लगे हैं कि मोदी इज दी बॉस। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजनीतिज्ञ की बजाय एक स्टेट्समैन है जो भविष्य की सोचते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की सदियों पुरानी विरासत योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनौतियों से घबराते नहीं है, चुनौतियों को अवसर में बदलकर कार्यों को सफल बनाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं और चुनौतियों से न घबराकर उसे अवसर में बदलने की उनकी यही सोच हर भारतवासी को प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है, कई सालों तक उन्होंने साथ में काम किया है। इस दौरान वे देखते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सबसे पहले है, जबकि अन्य राजनीतिक नेताओं का स्लोगन होता था सबसे पहले मैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक प्रयोगधर्मी नेता है जो सदैव देश हित में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने हमेशा देश की जनता के कल्याण, देश की सांस्कृतिक पहचान और देश के भविष्य के बारे में सोचा है। प्रधानमंत्री को वर्षों पुरानी व्यापक समस्याओं को सुलझाने के लिए विकल्प ढूंढने में महारत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति से अलग हटकर सामाजिक चिंतन के बारे में भी सोचते हैं। जहां साल 2015 में शुरू किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी सोच का एक उदाहरण है और समाज के सहयोग से इस अभियान में अपार सफलता भी मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया गया मन की बात कार्यक्रम भी इसी का एक और उदाहरण है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोई राजनीति बात नहीं करते, बल्कि वे देश भर के सामाजिक विषयों और नए टैलेंट को आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर बात करते हैं। इस कार्यक्रम के 100 एपिसोड हो चुके हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिए गए अंत्योदय दर्शन के अनुरूप पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने सदैव कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए कई नेताओं, स्वतंत्रता सेनानी और देशवासियों ने कार्य किया है, बलिदान भी दिया है, लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के नेता की भारत देश को आवश्यकता थी वैसा नेता देश को नहीं मिला। लेकिन 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक नई सोच का नेता मिला है जो हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार अंत्योदय उत्थान के साथ साथ 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर काम कर रही है। शिक्षा के नाते से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू किया है जिसका उद्देश्य प्राचीन पद्धति को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ते हुए बच्चों में देश के प्रति भाव जागृत करना है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है जो कि किसानों के हित में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आजीवन समर्पित है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर नमन किया है, तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, गरीबों और सहायों और श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले प्रखर नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका आदर्श जीवन हमें सदा कृषकों के साथ साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए प्रेरित करता रहा है और करता रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की है। देखिए, पानी ये हमारे लिए अमृत है, पानी हमारा जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है, उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है, संग्रह होता है डैम्स में, संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं, और वो जो उपयोग है वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, अब पानी की आवश्यकता है, पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर हर घर जल नल से जल एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उसे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से,
उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी, तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चूहे का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा, वहां मिट्टी की भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो है वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी, तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहां तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास के दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में दो समय का भोजन नहीं बन सकता, या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो सुराशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1,00,000 रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5,00,000 आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई 5,00,000 रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4,00,000 या 5,00,000 और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा।
और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों, लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं, जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है, बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है, कि बीमारी गंभीर हो जाती है, गंभीर बीमारी लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है, अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1965 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था, अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना अर्थात 48 रुपया साल, अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6000 रुपया साल, तो 6000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे पर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा बजट 2023 में गांव के संपूर्ण विकास का खासा ख्याल रखा गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो हरियाणा बजट 2023-24 में गांव में होगा भरपूर विकास, 700 पार्क और व्यायामशालाएं, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड की भी योजना बनाई गई है। तो आपको बता दें कि 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, 1000 गांव में नए पार्क और व्यायामशालाओं और पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी,
तो मनोहर सरकार में गांव-गांव में विकास हो रहा है। हर जिला परिषद में अलग इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की जाएगी। ग्राम पंचायत भवनों में 468 उच्च सुविधाओं वाला जिम और 780 पार्क का भी व्यवस्था किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्षों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 9 योजनाएं लागू किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं, जिससे गरीब जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पद्मा योजना की शुरुआत कब की थी। इसका सही जवाब है ए, 23 फरवरी 2022। ढेर जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश वर्मा हिसार से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर महावीर सिंह, जो कि रोहतक से कृषि विभाग में उप निदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में, हमारे कृषि निदेशक महोदय के मार्गदर्शन में, जो किसान क्लब की जो एक मासिक बैठक है आयोजित की जाती है, जिसमें किसान से संबंधित सभी विभाग इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो कृषि विभाग है, बागवानी है, मछली है, कृषि विज्ञान केंद्र है और पशुपालन है, या बैंकों से संबंधित जो भी किसानों की समस्याएं होती है उनके निराकरण करवाया जाता है, और किसानों को आधुनिक के खेती के बारे में या उनकी जो आमदनी बढ़ाने के लिए जो सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जो स्कीमें चलाए जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, तथा उनको लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। क्योंकि देखो, खेती के अंदर अब पुराने वाला टाइम रहा नहीं, अब तो आधुनिक खेती के लिए है। अब इसके अंदर किसान को धान और गेहूं के फसल चक्कर से बाहर निकल के आधुनिक खेती करे, क्योंकि हमारे पास चूँकि दिल्ली की मार्केट नज़दीक है, तो बागवानी, सब्जी, दुग्ध उत्पादन तथा मछली जैसी, मछली पालन जैसा व्यवसाय करके जो न्यूनतम जमीन के अंदर अधिकतम जो लाभ है वो अर्जित करने के लिए किया जाता है। जैसे चाहे वो मिक्स फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग है, चाहे वो अन्य कोई भी है। अब विभाग द्वारा भी स्कीम चलाई जा रही है कि जो भी किसान भाई धान की सीधी बिजाई करेगा वह अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और उसके बाद जो धान की सीधी बिजाई करता है उसके भौतिक सत्यापन के उपरांत उसको 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसको अनुदान राशि DBT के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ साथ जो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम है, उसमें जो पिछले साल जिन किसानों ने उस खेत में धान लगाया था और धान को छोड़ के वो कोई दूसरी फसल लगाते हैं, चाहे वो चारा है, कोई भी फसल है, और यहाँ तक कि अगर वो खेत को खाली रखता है तो भी किसान को 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पराली बेच प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी। ए, अक्टूबर 2022, बी, अक्टूबर 2021, सी, अक्टूबर 2020, डी, अक्टूबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।